जनरली 90 डेज पेमेंट का रहता है मैक्सिमम 45 to 90 डेज। अगर वो 90 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद ये जो बी का जो कॉलम है लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विथ मंथली रेट ऑफ 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई, जो आरबीआई का रेट फिक्स किया हुआ है उसका 3 times इंटरेस्ट के साथ वो सामने वाला पेनलाइज हो सकता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अभी सबसे नीचे में एक ट्रेड्स लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रेड रिसाइवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, आप लोग शायद उतना अवेयर नहीं होंगे, कोई बेनिफिट्स ले रहे होंगे। तो ये ट्रेड्स क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है, जो हमारे जो माइक्रो स्मॉल हैं उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होते हैं, उनके पास जो लागत रहती है बहुत कम रहती है, तो उनके पास पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पैसा का रोटेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे आपने किसी को सामान सप्लाई किया, अब सामने वाले को आपको पता है जो 45 डेज में पेमेंट आएंगे फिक्स है, क्योंकि 45 डेज का पीओ आप लिख के दिए हैं परचेज ऑर्डर में, जो 45 दिन में पेमेंट आएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है 10 डेज में, अगर आप सोच रहे हैं कि यार 10 दिन में पैसा मिल जाता तो दूसरा एक और ऑर्डर था वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक ट्रेड प्लेटफॉर्म रखी है, जहाँ पे जितने भी PSUs हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, सारे ऑन बोर्ड हैं, जिसके ऊपर में आप बिल डिस्काउंटिंग का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे 1 lakh का आपका बिल है तो आप बोलेंगे ठीक है यार चलो 5,000 कम दे दो, 4,000 कम दे दो, लेकिन हमें एक सप्ताह में ही दे दो। तो वो प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके रखती है, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्काउंट करके इंस्टेंट पेमेंट ले सकते हैं। ये भी रजिस्ट्रेशन एकदम ईजी है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट उल्टा हो गया, बैक आ जाइए और बैक बस। तो इसमें प्रोविजन है और इसमें भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मैक्सिमम 5,000 का कॉस्ट है। M1 एक्सचेंज है, फिर एक और है, 3 एजेंसीज है जो इस पर रजिस्ट्रेशन कराती है, और बिल्कुल इजी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी बिल का डिस्काउंटिंग का बेनिफिट्स उस पर अपलोड करके ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमने समाधान का बोला था, तो समाधान पोर्टल पे हमारी कोशिश रहती है जो पहले म्यूचुअली हो, आपके तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो और स्मॉल के सपोर्ट के लिए हमेशा रहती है। तो पहले म्यूचुअली हम कोशिश करते हैं जो म्यूचुअली केस निपट जाए, जो भी है ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना है मत दीजिए, आप म्यूचुअली जो आउटस्टैंडिंग है वो देखिए आप ख़त्म कर दीजिए। अभी लास्ट वीक फ्राइडे की बात मैं बतला रहा हूँ, हमारे ऑफिस में एक रिफरेंस से आए थे, अभी जो चौधरी जी थे ना अपना, कुछ गुजरात के क्या थे अध्यक्ष थे ना कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उनके रिफरेंस से एक आदमी आए थे जिन्होंने जयपुर से कोई सामान खरीदा था, वो सामान मतलब उन्हें 2 lakh का आइटम था, लेकिन उनकी वजह से उनका 4.5 lakh का नुकसान हो गया। अब वो बोल रहे थे कि हम उसको पैसा ही नहीं देंगे, उन्हें 2 lakh रुपया, उनकी वजह से मेरा 4.5 lakh का नुकसान हो गया। ये प्रैक्टिकल मैं इसके लिए बतला रहा हूँ कि सर हम अवेयरनेस की वजह से, जानकारी की वजह से हम मौका खो देते हैं, फिर नहीं चाहते हुए भी हम फिर बॉन्ड हो जाएंगे पेनल्टी भरने के लिए। अब उनका वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आए, हमने देखा अप्रैल का उन्होंने सामान खरीदा था, और वो सामान का रिप्लाई उन्होंने 3 महीना के बाद दिया सामने वाले को, जब आपका सामान ख़राब है। तो सामने वाला MSCFC सेल में चला गया, MSCFC ने ऑर्डर निकाल दिया, आप आइए यहाँ पे हाजिर होइए और म्यूचुअली करके इसको ख़त्म करिए, आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने 21 डेज का जो हमारा टाइम फ्रेम था उसके अंदर में अगर उन्होंने इंटीमेट किया होता तो MSCFC सेल डिसीजन नहीं लेता, उन्होंने डिले कर दिया। 21 डे से ज़्यादा हो गया तो सामने वाला जो सामान सप्लाई किया था उसका सामान सही है, इस पर मोहर लग गई और उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आपका 4 lakh का 5 lakh का क्या नुकसान हुआ वो अदर आउटलुक हमारा नहीं है, ऐसा बोल दिया। फिर आए उनको, हमने समझा बुझा के बोला आप जाइए,
उनको रिक्वेस्ट करके वो पौने दो लाख में जितना कम करा सकते हैं वो करा के और पेमेंट दे के सेटल करके आप इमीडिएट ख़त्म करिए। वो गए अभी ये आज 18 या 19 तारीख का हेयरिंग था, मे भी जाएंगे तो जाके ख़त्म करें। अगर वो मेल किए होते तो उनका पेमेंट वेव हो जाता है पौने दो लाख। तो इसमें हम म्यूचुअली कोशिश करते हैं, अगर म्यूचुअली नहीं निपटता है फिर कोर्ट में मैटर जाएगा और जो हमारे पास पहले आएंगे उसके तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लड़ेगी। नेक्स्ट, ये हमारा एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, ये आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, जिसके तहत में विदाउट कोलेटरल जो हमको लोन मिलता है इसका स्लैब बढ़ा के 5 करोड़ किया गया है। आपको मतलब अभी ये 2 करोड़ था, अभी ये बढ़ के 5 करोड़ हो गया है। 5 करोड़ तक का लोन आप विदाउट कोलेट्रल ले सकते हैं। इसमें लोग का यही शिकायत रहता है जो सर बैंक वाले तो लोन देता ही नहीं, हम जाते हैं बैंक वाले मना कर देते हैं। तो सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितने भी बैंक हैं प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सेमी गवर्नमेंट हो, बैंक की रिवेन्यू ही लोन से होती है, उसके पास में रिवेन्यू के दूसरे कोई रिसोर्सेस नहीं है जिसके तहत उसकी आमदनी हो। उसका कमाई ही केवल लोन से होते हैं जिसपे वो इंटरेस्ट हमसे पे करके पूरी बैंक पूरे सिस्टम चलते हैं। वो लोन के लिए मना तभी करेगा जब हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप जब तक जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो लोन नहीं देंगे। आज के डेट में हमारे ऑफिस में ICICI, HDFC ये सारे बैंक आके अप्रोच कर रहा है कि सर CGTMSE में अगर सरकारी बैंक नहीं दे रहा है तो आप हमें रेफरेंस दीजिए, हम लोन देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप आइए, आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है जो लोन नहीं मिल रहा है, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टू MSME DFO, हम आपको उस एरिया में रिस्पेक्टिव बैंक को अप्रोच करके उसको बताएंगे जो वो लोन दे। इसमें प्रोविजन दो है, एक 70% का है, दूसरा 50% का है। जैसे आप 2 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो आपका लोन जो है वो 50-60% मिलेगा। जैसे मशीन का कॉस्ट सपोज 10 करोड़ रुपया है और आप चाह रहे हैं जो हमें 5 करोड़ तक का लोन मिले, तो 5 करोड़ तो 50% मार रहा है, इजी मिल जाएगा। लेकिन मशीन का कॉस्ट सपोज 7 करोड़ है और हम चाह रहे हैं हमें 5 करोड़ का लोन मिल जाए, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा है, तो ठीक है आप 60% तो उसको कोलेट्रल फ्री दो, मतलब एटलीस्ट 4 करोड़ 20 लाख तो कोलेट्रल फ्री दो, बाकी जो 80 लाख बच रहे हैं उसके लिए मॉर्गेज चाहिए तो आप ले लो, पर 5 करोड़ लोन दो जरूर। तो वो एक्सीड जो है 70% तक जा सकते हैं आप, 70% तक का स्लैब रखा गया है और 70% तक जो आप उसमें लोन ले सकते हैं। ये हम लोग दिए हैं 10 करोड़ करने का, अभी कब तक का होता है देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमारा एक CFC होता है कॉमन फैसिलिटेशन सेक्टर, ये हमारा क्लस्टर का एक बहुत बड़ा स्कीम है जो एज ऑन डेट पूरे गुजरात में हमारे 14 क्लस्टर हैं, 2 वर्किंग हैं, एक राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के साथ हमारा पंप एंड फाउंड्री क्लस्टर है और दूसरा फाउंड्री क्लस्टर अहमदाबाद में है, जो दोनों वर्किंग है। उसके अलावा 12 क्लस्टर हैं जो पाइपलाइन में हैं, कुछ का फाइनल इंस्टॉलमेंट में है, कुछ सेकंड इंस्टॉलमेंट में है, कुछ थर्ड इंस्टॉलमेंट में है। इस स्कीम में भी गवर्नमेंट का 20 करोड़ तक का प्रोविजन था, उसको बढ़ा के अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ तक का प्रोविजन किया है, जो सिमिलर टाइप के कैटेगरीज हैं। लाखा भाई आए थे, हमने चर्चा भी किया था, उसमें अच्छी है। वहाँ पर ऐसा फैसिलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं जो वहाँ पे होना, जो सबके लिए यूजेबल हो, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी हो या प्रोसेसिंग यूनिट हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है जिसको वहाँ पे करना उचित है तो आप कर सकते हैं। इसमें 60% तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है और वो पैसा वापस भी नहीं लेगी, वो दे दिया मतलब दे दिया। 20% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कंट्रीब्यूशन रहता है, 20% SPB का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसमें आप एक बार एस्टेब्लिश करते हैं, ये हमारा टोटल 3 साल का प्रोजेक्ट है,
तीन साल के अंदर आपको वहाँ पे फैसिलिटी, जैसे लैंड बिल्डिंग है, आप हायर भी कर सकते हैं, अगर जगह ऐसा है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर हायर भी कर सकते हैं 30 साल का लीज एग्रीमेंट करके, या फिर अगर आपका ज़मीन है तो ज़मीन जो है वो SPV के कॉस्ट में आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंड देती है वो एक्सक्लूसिवली फॉर मशीनरीज के लिए जो वहाँ पे एस्टेब्लिश होंगे, और बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, उसके लिए भी हमने बोले हैं, चर्चा करेंगे उसमें। तो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ जो DIC है उनके साथ आप प्रपोजल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसमें भी 50-50 तक का जो है प्रोविजन है, उसमें 15 करोड़ तक का एज ऑन डेट जो है प्रोविजन है, जिसमें आधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्प्लीमेंट्री देती है, चाहे आप स्ट्रीट लाइट इम्प्लीमेंट करने के लिए, ड्रेनेज के लिए, रोड के लिए, किसी चीज़ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अच्छा ये यहाँ पे है, वो जो हमने ट्रेड्स की बात किया था ना, वो नोटिफिकेशन यहाँ पे है 2018 का, जो गवर्नमेंट ने जारी किया था, जो जिस फैक्ट्री का 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है वो सारे इस सिस्टम पे आए, इस पोर्टल पे ऑन बोर्ड हो, ताकि बिल डिस्काउंटिंग जो सिस्टम है उसका बेनिफिट्स दे सके। नेक्स्ट, ये जो हमने तीन जो चैनल बोला था वो थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, जो हमने तीन जो पोर्टल बोला था बिल डिस्काउंटिंग के लिए वो RXIL.in है, फिर M1 एक्सचेंज है, और एक invoicemart.com है। ये किसी पे भी जाके आप समझ सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तब हमें बताइए, हम आपको उस पर ऑन बोर्ड करा देंगे। नेक्स्ट, ये प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, ये स्कीम के तहत ये जो एग्जीबिशन प्लान किए हैं इसमें भी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं। ये एज ऑन डेट सबसे फ्लैगशिप स्कीम है। अभी वाइब्रेंट गुजरात हुआ था जनवरी में, आप लोग सब जानते हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन हुआ था, उसमें डोम नंबर 5 था, किन्हीं ने विजिट किए डोम नंबर 5 को, या यहाँ से कोई यूनिट था वहाँ पे? कोई नहीं थे। डोम नंबर 5 हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर का सबसे बड़ा डोम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने उस पूरे डोम का स्पॉन्सरशिप किया था, और 350 MSE को हम कम्प्लीमेंट्री स्टॉल दिए थे वहाँ पे लगाने के लिए फ्री में, जो एक स्टॉल की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपया थी, 1,70,000 प्लस GST, वो हमने कम्प्लीमेंट्री दिया था। गुजरात के बाहर के लगभग 30 यूनिट थे, महाराष्ट्र से, नागपुर से, कोलकाता से, साउथ से, जयपुर से, और गुजरात के 300 प्लस। और आपको जान के हैरानी होगी, एक एक यूनिट 50 करोड़ तक का बिजनेस लेके गया, स्टॉल फ्री में और बिजनेस 50 करोड़ तक का। तो आपको जब तक घर से आप बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप मार्केट में अपने आप को डिस्प्ले नहीं करेंगे, आपको लोग जानेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे आभास होगा जो ये आइटम आप बना भी सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। ये जो ट्रेड फेयर है, इसमें हम कोई भी ट्रेड फेयर होता है जो हमारी मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होते हैं, उसमें हम 60 MSEs को सब्सिडी देते हैं। लास्ट ईयर जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है, उसमें हमने 1,032 यूनिट को अक्रॉस गुजरात सब्सिडी दिए हैं, तकरीबन 9.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसके तहत जो है हमारा 2 स्लैब है, जैसे यहाँ पे जामनगर में एग्जीबिशन हो रहा है तो ये हमारे अदर सिटी में आते हैं, इसमें एक स्टॉल के लिए हम लोग 80,000 मैक्सिमम सब्सिडी देते हैं। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, टोटल 8 A-class city हैं जिसमें अहमदाबाद भी है, तो उनको हम 1.5 लाख रुपया तक की जो है सब्सिडी देते हैं, और एक साल में आप 2 एग्जीबिशन की सब्सिडी अवाइल कर सकते हैं। कुछ मेहनत नहीं है, हमारे ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल पे आप आइए MSME पे, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट में आइए, वहाँ पे पूरे इंडिया के जो एग्जीबिशन हैं वो
पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, जिसको आप देख के समझ सकते हैं और उसके ऊपर जो है आप वर्कआउट कर सकते हैं जो कौन से एग्जीबिशन, उसमें एग्जीबिशन का प्रोफाइल भी डिस्प्ले है। अभी जो कैंडी कम्युनिकेशन है इनका राजकोट में, राजकोट मशीन टूल हो रहा है, आई थिंक अक्टूबर में है ना, सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर में राजकोट मशीन टूल्स एग्जीबिशन है, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और पोर्टल पे डिस्प्ले भी है। आप उसमें अप्लीकेशन करते हैं तो आप 80,000 के लिए, वो कितना चार्ज करते हैं उससे मेरा आउटलुक नहीं है, लेकिन 80,000 रुपया हम आपको एक स्टॉल का 80% अप टू 80,000 जो है हम आपको सब्सिडी दें। जैसे इनका मान लीजिए 10,000 का रेट है पर स्क्वायर मीटर, सपोर्ट 10,000 का रेट है, 9 स्क्वायर मीटर का स्टॉल होते हैं मिनिमम, तो 90,000 रुपया हुआ। तो 90,000 का हम 80% यानी 72,000 सीधा सीधा हो गया, दूसरा 8,000 और अगर बच रहे हैं तो उसमें हम आने जाने का भाड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक जन का, या आप वहाँ से अहमदाबाद से राजकोट सामान ढो के लाए या जामनगर से राजकोट सामान ढो के लेके गए तो उसका, या फिर पब्लिसिटी के लिए आपने पैम्पलेट्स ब्राउसर कुछ छपाए हैं तो वो बिल भी हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वो बिल हम विद इन वीक एग्जीबिशन के एक सप्ताह से पहले और एक सप्ताह के बाद का ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे 23 से है ना, 23 से 27, तो उसमें वन वीक बिफोर या वन वीक बाद का बिल होना चाहिए, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री का मानना है कि पर्टिकुलरली एग्जीबिशन के लिए अगर उन्होंने टेम्पलेट ब्राउसर छपाए हैं तो उसको ही कंसीडर करो, बाकी तो सालों भर ऐसी कुछ ना कुछ छपाते रहते हैं तो कोई भी बिल का हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम उससे रिलेवेंट है। तो उसके अंदर हमारा 25,000 तक का प्रोविजन है, 25,000 तक ट्रेवल ट्रांसपोर्ट या पब्लिसिटी का बिल और 125,000 स्टॉल का, अगर केवल स्टॉल से 1.5 लाख रुपया सब्सिडी हो रहा है तो सीधा 1.5 लाख। अभी जैसे यही 1 लाख अगर स्टॉल रेंट होता तो कंटिजेंसी बिल की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम 80% अप टू 80,000 जो है आपका कंसिडर कर लेते, तो वो प्रोविजन है, तो उसमें आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल हमारी गाइडलाइन है पोर्टल पे, आपको पढ़ना है समझना है और प्री एप्लीकेशन करना है, क्योंकि वो 60 एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाएंगे तो पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन फर्स्ट फेज नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बिल क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो जब एप्लीकेशन नहीं होंगे बिल नहीं होंगे तो फिर सब्सिडी नहीं होगी। तो इसमें आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कौन एग्जीबिशन हमारे लायक है कौन नहीं है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी जा सकते हैं, 2 एग्जीबिशन के लिए आप बॉन्ड हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं और आपको सब्सिडी भी मिलेगा। ये केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए है, जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उनको मेरे को नहीं लगता है 1 लाख रुपया सब्सिडी देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके लिए गवर्नमेंट ने मीडियम को सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं, माइक्रो और स्मॉल को, और हमने उनको बोला भी है कैंडी को, जो आप कोशिश करिए जो ज़रूरतमंद को आप सब्सिडी दिलवाइए जिसको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है जो 50 करोड़ का टर्नओवर है अच्छी खासी बिजनेस है और वो भी सब्सिडी के लाइन में खड़े हैं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो माइक्रो वाले हैं या स्मॉल वाले हैं, जो सचमुच नीडी हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, वुमेन इंटरप्रीन्योर्स हैं, SC/ST इंटरप्रीन्योर्स हैं, जिनको सचमुच प्रमोशन की ज़रूरत है, उनको आगे लाइए ताकि उनको थोड़ा हौसला बढ़ेगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी तो दूसरे एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए वो इच्छुक होंगे, तो धीरे धीरे उनका बिजनेस स्टेबल हो पाएगा। नेक्स्ट, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में आपको बताऊं, कोरोना के पहले 2020 के पहले हमारा रीजनल ऑफिस से ही प्रोसेस होता था, लेकिन कोरोना के बाद इसमें बहुत सारे बोटल ने क्रिएट हुए थे, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमारी रीजनल ऑफिस से विड्रॉ करके अपने पास ले लिया है और एज ऑन डेट डेलीगेशन को रखा है। कोई भी डेलीगेशन जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो हमारे डेलीगेट्स हैं और उसके थ्रू आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी एक एग्जीबिशन का बेनिफिट्स हर फाइनेंशियल ईयर में आप ले सकते हैं और उसके तहत लगभग 5 लाख रुपया तक का जो है कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है, 3 लाख तक स्टॉल कॉस्ट, 1.5 लाख रुपया तक भाड़ा और 50,000 रुपया तक जो है वहाँ पे आप जो रहेंगे मतलब DA
जो वन वीक जो आदमी रहेगा तो समथिंग हमने डॉलर फिक्स किए हुए हैं, जो पर डे का इतना डॉलर जो है हम आपको देंगे। इसके लिए हर फरवरी मार्च में पोर्टल ओपन होती है। कोई भी एग्जीबिशन अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें डेलीगेशन को ले जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोनों के लिए प्रोविजन रहता है, आपको एप्लीकेशन करने हैं। लेकिन वो केवल एसोसिएशन ही एलिजिबल है, उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल नहीं है, केवल एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही एलिजिबल है। आपका एसोचैम है, जीसीसीआई है, एसजीसीसीआई है, बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो हर साल लेके जाते हैं टीम को, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं या अपना उनका भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम नए एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करके आप उस पर आइए पोर्टल पे, कुछ तकलीफ होती है तो आप हमें बताइए, हम आपको रजिस्टर्ड कराएंगे और उसमें जो है आप इवेंट क्रिएट करिए और उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। नेक्स्ट, एक हमारा डिजाइन क्लिनिक का स्कीम है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट में डिजाइनिंग की वजह से या तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुआ हो या कॉस्ट कम हुआ हो, इवन दो जो पैकेजिंग में भी अगर आपने कुछ डिजाइन इंटरवेंशन किए हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है आपको 15 लाख तक की सहायता देती है, जो आप उसको और आगे लेके जाइए क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आज थोड़ा भी कॉस्ट कटिंग हो रहा है डिजाइन इंटरवेंशन की वजह से तो वो तो परमानेंट होगा, फिर आपका वो परमानेंट सालों साल चलता रहेगा, चाहे वो पैकेजिंग में हो, प्रोडक्ट में हो, क्वालिटी में हो, किसी में भी अगर आप डिजाइन इंटरवेंशन किए हैं तो उसके लिए हमारा बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें आपको हम सब्सिडी भी देंगे। उसमें ग्रुप बना के भी, हमारा माइक्रो स्मॉल का भी अलग ग्रुप है, केवल माइक्रो का अलग ग्रुप है, स्मॉल मीडियम का भी अलग ग्रुप है, तो आपको जिसके साथ कन्वीनियंट है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, या नहीं तो फिर आप हमारे NID जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो पाल्डी में है वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी उनकी पॉलिसीज रहती हैं जो आए दिन बहुत नॉमिनल चार्ज में भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो आप उससे भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा एक IPR है। यहाँ पे आज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा, जब आपके पास में कोई भी इस तरह की आइडियाज है जो आपको लग रहा है कि इस पे पोटेंशियल है बिजनेस के लिए, आने वाले दिन में अच्छा हमारा बिजनेस हो सकता है, तो उस आइडिया को सबसे पहले आप पेटेंट कराइए, तभी आपका वो आइडिया रहेगा। जब तक वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा फिर आपकी आइडिया नहीं रहेगी। आज हम लोग देख रहे होंगे बहुत जगह पे जेनेरिक मेडिसिन शॉप खुल गए हैं, हम लोग देख रहे हैं। सेम मेडिसिन आप दूसरे दुकान में लीजिए 100 रुपया का होगा, वो जेनेरिक में लीजिए सेम कंपोजिशन हो सकता है वो 20 रुपया में भी दे दी। ये जेनेरिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? जेनेरिक कॉन्सेप्ट जो है IPR से रिलेवेंट है। ये जो IPR होते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी राइट होता है, वो कोई भी चीज़ के लिए 20 ईयर के होते हैं, ओनली फॉर 20 ईयर। कोई भी चीज़ को आप केवल 20 साल के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो बाई डिफॉल्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा जो आज जेनेरिक है। हर क्षेत्र में आज हर जगह पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन मार रही है। 20 साल तक जो आदमी उसको बैन करके रखा था तो आज वो पब्लिक डोमेन मार रही है। और इसमें डोमेस्टिक पेटेंट के लिए हमारी मिनिस्ट्री 1 लाख रुपया जो है आपको सब्सिडी देती है। इसमें खर्चा ही 1 लाख का है, मैक्सिमम 1 लाख से कम में ही आपका पेटेंट हम फाइल करा देंगे। अगर किन्हीं को भी पेटेंट फाइल करना है आप हमारे ऑफिस को डायरेक्टली संपर्क करिए, हम IPFC के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका पेटेंट फाइल कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इंटरनेशनल पेटेंट है, उसमें हम 5 लाख तक की सब्सिडी देते हैं। GI रजिस्ट्रेशन ये थोड़ा स्पेशल है, जो मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बेस पे है तो इसमें तो एप्लीकेशन नहीं आते हैं। लेकिन जो ट्रेडमार्क है 10,000 का, यहाँ पे जितने भी होंगे मेरे को नहीं लग रहा है जो एक भी ऐसे होंगे जिनके पास में ट्रेडमार्क नहीं होगा। एक क्या, बहुत सारे ट्रेडमार्क होंगे क्योंकि बहुत लोग प्रोडक्ट वाइज ट्रेडमार्क लेते हैं, बहुत इंडस्ट्री लोगों के हिसाब से ट्रेडमार्क लेते हैं। इसमें टोटल खर्चा ही 10,000 रुपया का है, जो भी लिए होंगे तो उनको पता भी होगा। और इसमें हम 10,000 पूरा आपको वापस भी कर देंगे। एक भी यूनिट कितने भी ट्रेडमार्क ले सकता है, हमें गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितने ट्रेडमार्क लेना है लीजिए, हम सारे ट्रेडमार्क का पैसा आपको रिटर्न करेंगे। हर एप्लीकेशन एलिजिबल है, आप हर बार नया ट्रेडमार्क लीजिए
लेकिन उसमें हमारी टर्म एंड कंडीशन ये है, जो वो ट्रेडमार्क वो या तो वो कंपनी के नाम के होने चाहिए या फिर उनके ओनर के नाम के होने चाहिए। प्रोप्राइटरशिप है तब। अगर आपका पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है तो उस केस में पर्टिकुलरली कंपनी के नाम के ट्रेडमार्क होना चाहिए, तभी हम कंसीडर करेंगे। नहीं तो हमें ऐसा लगेगा जो किसी और का ट्रेडमार्क लेके इस कंपनी के नाम पे आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो फिर हम आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करेंगे। कंपनी के नाम पे या ओनर के नाम पे होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो अभी आप लोग सुने भी होंगे, जेड का स्कीम जो लॉन्च हुआ था, मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। 2016 में 15 अगस्त 2016 से इन्होंने ये स्कीम को लाए थे पूरे देश के लिए। जेड बोले तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट इन क्वालिटी, जीरो इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर। जहाँ पे हमारा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री इस कंडीशन में चलनी चाहिए जो वहाँ पे किसी भी एंगल से इन्वायरमेंट को, चाहे वो एयर, पानी, साउंड, किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहिए। और क्वालिटी हमारा ऐसा होना चाहिए जो हम कहीं पे भी पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को भेज दें तो वहाँ से क्वालिटी की वजह से मेरा प्रोडक्ट वापस नहीं आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेके 2016 में जब लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था, तो इसमें 5 पायदान थे जो जेड में होंगे वो ऑलरेडी अवेयर भी होंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। 5 पायदान करके फर्स्ट फेज में 5x2 यानी 22,222 MSMEs को बेनिफिट्स देना था, उसको रजिस्टर्ड करके आगे लाना था। इसके ऊपर में काम चलता रहा 3 साल। 3 साल अथक प्रयास करने के बाद आपको सुन के हैरानी होगी, आपके पूरे जामनगर में एक भी यूनिट नहीं है जो डायमंड तक भी पहुंचे। पूरे गुजरात में एकमात्र यूनिट है डीप प्लास्टो प्रफुल्ल भाई का पालनपुर में, जो डायमंड तक पहुंचा है। एज ऑन डेट 15 लाख MSME है गुजरात में। तो गवर्नमेंट ने 1 साल इस पे चिंतन मनन किया जी यार कैसे करेंगे, कैसे आगे लाएंगे। 27 अप्रैल 2022, 2 साल पहले उन्होंने उसको रिवाइज किया स्कीम को, बोले नहीं ये 5 पायदान को तुम अभी छोड़ दो, अभी सबको 3 पायदान पे पहले लाओ, ब्रॉन्ज सिल्वर और सबको गोल्ड लेवल पे लाओ, फिर उसको हम डायमंड प्लेटिनम की ओर लेके जाएंगे। और रिवाइज करके उसकी जो पायदान थी उसको घटा के अभी 3rd पायदान पे किए हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जेड का है। नेक्स्ट, ये हमारा 3 पायदान है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। इसमें आप ब्रॉन्ज से इम्प्लीमेंट करके अपनी कंपनी को सिल्वर में और सिल्वर से गोल्ड में पहुंचते हैं तो आपका टोटल खर्चा 1,30,000 जैसा है, मैक्सिमम 1,40,000 मान लीजिए। उस 1,40,000 में 80% हम आपको वापस कर रहे हैं, 80% सब्सिडी है माइक्रो के लिए, 60% स्मॉल के लिए, 50% मीडियम के लिए। फर्स्ट फेज जो इसका रजिस्ट्रेशन है 10,000 रजिस्ट्रेशन फी था, वो एज ऑन डेट कम्प्लीमेंट्री है। आप रजिस्टर्ड होइए, कम्प्लीमेंट्री का बेनिफिट लीजिए, आपको कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेस करिए, आपको एक अच्छा सा प्लेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसको आप अपने ऑफिस में लगा भी सकते हैं, जो हमने जेड के लिए शपथ भी लिए हैं। और बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, हम लोग जो ISO के लिए यहाँ पे जितने भी हैं, ISO 9000 हो, 14000 हो, 18000 हो, 22000 हो, हम लोग केवल 1000 लिए हैं। उसके ऊपर में काम जो है वो मुश्किल से 20% यूनिट ही करते हैं। 80% जो है हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं केवल एक्सपोर्ट करने के लिए या सप्लाई करने के लिए या पब्लिक सेक्टर को देने के लिए। ये स्कीम ऐसा नहीं है, ये स्कीम क्या है, आपका सेल्फ एसेसमेंट है, आपको खुद एसेसमेंट करना है जो हम किस लेवल पे हैं, हम किस तरह से एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग के इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये नहीं है जो हमारा सब चीज़ चल रहा है तो हमें इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आज अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बतलाएँ, जैसे मैं 80 किलो का हूँ
मतलब 2 किलो कम हूँ, मान लीजिए 78 किलो का हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर हमारा वेट 68 किलो होना चाहिए, 10 किलो कम होना चाहिए, तो हमें गाइड किया जाएगा कि भाई आप 10 किलो ओवर वेट हो। लेकिन जब हमें कोई परेशानी ही नहीं है, हम वेट क्यों कम करें, इस कॉन्सेप्ट में जो ही हम आएंगे तो जेड वहीं पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो 10 किलो वेट हमें तब मालूम पड़ेगा जब 65 किलो के साथ हमें दोहरा देगी गवर्नमेंट, तब हमें मालूम पड़ेगा जो वेट क्यों हमें कम करने की ज़रूरत थी। वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो हम हो सकता है ना भी दौड़ें, 1 किलोमीटर तक मैं गिर पड़ जाऊँ। तो कहने का मतलब है एग्जिस्टिंग को स्टैंडर्डाइज, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। अगर आप यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट यूनिट हैं तो आपकी जो यूनिट की कंडीशन होगी वो पूरे वर्ल्ड में एज इट इज ही होगी, दूसरे गोल्ड लेवल के कंपेरिजन में। ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे गोल्ड लेवल हैं तो दूसरे जगह का ब्रॉन्ज वाले हमसे अच्छे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा पूरा ग्लोबली स्टैंडर्ड है ये, और इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स रखे हैं जो आपको ऑलरेडी इम्प्रूव करने हैं। इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम बार बार इसके लिए जोर दे रहे हैं कि आज कोई भी फैक्ट्री, जो हम ओनर हैं तो हम फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए वहाँ पे स्टाफ्स हैं, तो हमारे जो फैक्ट्री चलते हैं वो ओनर से नहीं चलते हैं, ओनर केवल मैनेजमेंट करते हैं, फैक्ट्री हमारे मशीनरी से चलते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ से हैं, जो वर्कर से हैं, उसके थ्रू चलते हैं। हमारे यहाँ कोशिश क्या रहता है, हर चीज़ हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो हर चीज़ हमारे हिसाब से चले, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे। आपको सिस्टम प्रूफ करने पड़ेंगे, कोई भी इंडस्ट्री हो आपको सिस्टम प्रूफ करने की ज़रूरत हर स्टेज पे पड़ेगी, नहीं तो अल्टीमेटली आपकी परेशानी होगी। परेशानी कैसे होगी, कोई भी फील्ड में आप पकड़ लीजिए, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के लिए जो आदमी को रखे हुए हैं, मालूम पड़ा वो 2 महीना के लिए छुट्टी पर चला गया, कुछ घर में इमरजेंसी आ गई, वो छुट्टी पर चला गया, अब आपको मालूम ही नहीं है कौन सामान कहाँ पर रखा हुआ है, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, इतना बड़ा इन्वेंट्री स्टोर रहता है जो उसमें छोटे छोटे क्या बड़े बड़े चीज़ ना मिले आपको। कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत आन पड़ी, शाम हो गया, जामनगर में बैठे हैं, मालूम पड़ा सामान तो बॉम्बे में मिलेगा, कल ही जा पाएंगे, या जाना भी है तो फ्लाइट सुबह की मिल रही है, रात में सामान आपको बना के देना है, तब नहीं बना पाएंगे। तो आपको वहाँ पे सिस्टम डालने पड़ेंगे, ये जेड हम वही करते हैं, हमारा पॉलिसी वही है जो वहाँ पे सिस्टम प्रूफ होनी चाहिए। वर्कर हैं, जो मशीन चलाने वाले वर्कर हैं, वर्कर को कैसे काम करना है वो वर्कर ही सीख जाता है, फिर अपने हिसाब से करते रहता है, फिर वो वर्कर छोड़ के चला जाता है, हमें वहाँ पे नया वर्कर को स्टेबल करने में 15 दिन लगते हैं, उसके साथ हमको 15 दिन समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऑपरेट करना है, इसको ऐसे चालू बंद करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे SOP का प्रोविज़न ही नहीं रखा। वहाँ पे SOP होनी चाहिए, जो हर दिन अननोन आदमी आए तो भी हम ऑफिस से उठ के फैक्ट्री में नहीं जाए, हम फैक्ट्री के लिए हैं ही नहीं, हम हर दिन फैक्ट्री में रहेंगे तो फिर हम बेचेंगे कैसे सामान, बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेचना, और हम तभी बेचेंगे जब हम ऑफिस में रहेंगे, हमें मार्केट से डील करना है, हमें फैक्ट्री से थोड़ी डील करना है। तो आपको वहाँ पर सिस्टम प्रूफ करने पड़ेंगे, वो सारा प्रोविज़न हम लोग इसमें रखे हैं ताकि आप शॉप फ्लोर स्किल्ड मैन पावर और चाहे मशीनरी हो। हमारा आपको एक जानकारी बताऊं, आज यहाँ पे लगभग 400 लोग बैठे हैं, अंकलेश्वर लॉर्ड्स जो होटल है उसमें इसी तरह 400 का हम वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे गेल के साथ। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ, क्या होता है हम इंडिया जो है, हम लोगों की सोच क्या होती है, कोई भी चीज़ का रख रखाव तो हम करते हैं लेकिन उसको बदलते तब है जब वो टूटते हैं, उसके ऊपर हम वर्कआउट नहीं करते हैं जो कितना दिन इसको चलाने के बाद हमें बाय डिफॉल्ट बदल देनी चाहिए। गेल का ऑर्डर टेंडर, वहाँ पे कम से कम 100 ऐसे वेंडर थे जो गेल को ऑलरेडी सप्लाई कर रहे थे, नए वेंडर जनरेट करने के लिए गेल ने वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा था, मैं गया था,
उसमें उन लोग का एक ही शिकायत था कि सर ये ऐसे ऐसे मशीन भी इंपोर्ट करके मंगा लेते हैं गेल वाले, जो हम बना सकते हैं, हमको ऑर्डर नहीं देते हैं, वो हम लाख रुपया में बना देंगे, वो ये 10-10 लाख का खरीद कर ले आते हैं, सारा पैसा फॉरेन चला जाता है। तो हमने उनको सिंपल सा पूछा, जो क्वालिटी आज जितने भी इंटरप्रेन्योर बैठे हैं, कोई ये नहीं सोच रहे होंगे जो हमारी क्वालिटी खराब है, वो बनाते ही नहीं हैं। हर आदमी अव्वल ग्रेड की क्वालिटी बनाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो अव्वल ग्रेड तब होगी जब कस्टमर को अव्वल ग्रेड लगेगा। कस्टमर भी आपको दो कैटेगरी के हैं, आपको डिफाइन करना है जो आप पार्ट जो बना रहे हैं वो स्विफ्ट डिजायर का है कि मर्सिडीज का है। सेम पार्ट है, गाड़ी भी सेम है, लेकिन आप पार्ट किसके लिए बना रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है, वो लेवल का क्वालिटी बनाना है। दोनों की क्वालिटी सिमिलर है, लेकिन उस क्वालिटी के ऊपर वो वर्कआउट करना है हम किस लेवल का स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अब हम सामान बना रहे हैं मर्सिडीज लेवल का, बेच रहे हैं स्विफ्ट के लेवल में, तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ऐसे फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सामान बना रहे हैं स्विफ्ट का और रेट जो है मर्सिडीज का कोट कर रहे हैं, तो भी हमने सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमें पहले कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, उसके लेवल की क्वालिटी का बेंचमार्क करना है, और उस बेंचमार्क पे काम करके फिर हमें क्वालिटी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे। अब वो क्वालिटी कैसे आएगा, 10 mm का ड्रिल बिट, कितने लोग होंगे जो उसका प्रिवेंटिव टूटने से पहले बदलते होंगे, हाथ उठाइए। एक जन 10 mm की जो ड्रिल बिट है, हम जितनी भी होल गिराते हैं कुछ न कुछ तो घिसता होगा हर होल में। हमारे पास कोई डेटा नहीं है जो 100 ड्रिल के बाद ये 10 mm से, हो सकता है 9.95 हो गया हो, 9.90 हो गया हो, 9.98 हो गया हो, 0.05 mm गैस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं सर, चाहे वो गेल हो, ONGC हो या IOCL हो, बहुत बड़े होते हैं, 0.5 में अच्छे खासे नुकसान हो सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है, जब हमारा उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हम तो जब तक टूटेगा नहीं हम बदलेंगे ही नहीं। अब वो कब 10 mm से बेचारे 9.5 mm के हो गए या 0.5 mm के हो गए, हमें पता ही नहीं है। हम ड्रिल किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। बेल्ट भी, जितने भी रोड पे सेवल आइटम होते हैं, मूवेबल आइटम होते हैं, वो सब घिसते हैं, चाहे वो बेल्ट हो, पुल्ली हो, गियर हो, मोटर हो, हर चीज़ घिसते हैं। लेकिन हमारी मॉनिटरिंग क्या रहती है, जब तक वो उसमें वाइब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, जब तक पुल्ली घिस ना जाएगी, जब तक बेल्ट बेचारे घिस घिस के टूट ना जाएंगे, 3 बेल्ट लगे हैं, एक टूट भी गए तो भी हम 2 पे चलाते रहते हैं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चल तो रहे ना। तो हम ऐसे करके क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसी का नतीजा है जो छोटे छोटे जो हम बना सकते हैं वो आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लाया था जेड के लिए। जेड क्या है, आपका सेल्फ असेसमेंट है, आप खुद पढ़िए, समझिए और उसको इम्प्रूव करिए। और इम्प्रूव क्यों करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा जो थिंग है उसको इम्प्रूव क्यों करने हैं। उसको इम्प्रूव आप नहीं करेंगे, समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तो फिर आप भी नोकिया मोबाइल जैसे हो जाएंगे, फिर आप मार्केट से कब आउट हो जाएंगे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग एक कहानी पढ़े थे 2nd-3rd में, कछुए और खरगोश वाली, सारे लोग पढ़े होंगे। उस कछुए और खरगोश की कहानी को अगर आप थोड़ा निचोड़ेंगे तो वो आज के जीवन में हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है। उसकी दूसरी पहलू को, पहला पहलू हम लोग ये पढ़े थे जो दोनों का बाजी लगा था, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल चल के पहुंच गया, खरगोश तेजी में गया, आधे रास्ते में सो गया, फिर जग के दौड़ के गया तो भी मालूम पड़ा कछुआ जो है उससे पहले वहाँ पर पहुँच गया। ये हमें कहानी क्या सीख देती है, आप इसके दूसरे पहलू को तरफ पलटिए। तो सबसे पहले हमें तो ये सोचना चाहिए, हिम्मत, हमें सबसे पहले हिम्मत ही होनी चाहिए। कोई भी काम को चैलेंज में लेना चाहिए, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें उसको आड़े हाथ लेना चाहिए। जो दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, भले वो तेजी से करे, हम स्लो स्लो ही कर सकते जरूर हैं।
दूसरा इसमें जो हमको सिखाता है, अगर हम आज अपनी ओनरशिप फैक्ट्री बिजनेस खरगोश के रफ्तार में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उस रफ्तार में भी आगे जा रहे हैं, लेकिन एक पड़ाव पे हमें ओवर कॉन्फिडेंस होके ऐसा लगता है जो आज हम जामनगर में या पूरे गुजरात में सबसे अव्वल ग्रेड पे आ गए हैं, हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, तो फिर वो कछुआ की चाल से चलने वाला इंडस्ट्री भी आपको कब ओवरटेक करके निकल जाएगा आपको मालूम नहीं। तो हमें जीवन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए और निरंतर क्वालिटी के प्रति, सजगता के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति रोज नया इंटरवेंशन ढूंढना चाहिए, डिजाइन ढूंढना चाहिए, कैसे कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगा, इस पर निरंतर हमें वर्कआउट करनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव करके रहेंगे। ये हमारा जो शेयर्ड स्कीम लाए हैं इसमें हमारा यही मोटिवेशन ही है, जो हम किस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से क्वालिटी प्रोड्यूस, क्योंकि क्वालिटी बोलना आसान है लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। अब हमने सैंपल बना के दिया, संजोग से अव्वल ग्रेड का बन गया, अब बाद में जो है वो मिस्त्री भी छोड़ के भग गया, वो मशीन में भी कुछ फॉल्ट आ गई, हम दूसरा मशीन भी ले आए लेकिन वो लेवल की क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं, अब क्या करें, सैंपल अप्रूव्ड हो गया और फाइनल जो है जो लॉट था वो हम बना के नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें उस पर वर्कआउट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो हमने खर्चा बोला था इसमें क्लरिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन का लेवल है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपको इसमें पहले सेल्फ एसेसमेंट करना है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और QCI आके आपके यूनिट का ऑडिट करेगी, विजिट करेगी और एरिया जो पेन एरिया है उसको हाईलाइट करके आपको उसको इम्प्रूव करने की सलाह देगी, फिर उस पर आपको वर्कआउट करके, इसमें टोटल खर्चा जो है 140,000 का खर्चा है, इसमें जो सब्सिडी है वो 80%, 60% और 50% तक का रिम्बर्समेंट भी है। नेक्स्ट, ये हमारा ऑफिस का पता है, किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें एड्रेस करिए, हमारा ईमेल आईडी भी है bcdi-ahmbad@dcme.gov.in। हमारा दो वेबसाइट है, एक हमारा dcmsme.gov.in जो सेंट्रलाइज वेबसाइट है, आप उधर से इधर भी आ सकते हैं, दूसरा msmedia.ahmedabad.gov.in है, इधर से इधर भी आ सकते हैं, दोनों सिंक्रोनाइज हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे आ सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेरी के लिए आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। Welcome to the heartland of the brass industry in India, Jamnagar, home to the esteemed Jamnagar Factory Owners Association. Established in 1948 to fortify the brass industry, our association has tirelessly worked for over 7 decades to unite industrialists, encourage beneficial law, and enhance industry growth with technical support. From a small collection of artisans to an industrial powerhouse employing over 500,000 people directly and indirectly, the brass industry has been the economic backbone of Jamnagar. Our industry, equipped with over 6,000 medium and small industries, is truly a story of remarkable resilience and innovation day by day. Just this, the brass industry is also a large employer of women in Jamnagar, with about 30% of the workforce being female. They work in a variety of roles in the Jamnagar-based industry, including production, quality control, packaging and administration, as well as marketing also. Thus, the brass industry has set a great example of women's empowerment by providing them with an opportunity to earn a living and breaking down gender stereotypes. Our journey is spearheaded by our dedicated leaders, President Lakabhai M. Keshwala, Vice President Suresh P. Herpara, Han Secretary Mansuk V. Savla, Han, J.T., Secretary Harsha P. Panasonic, Treasurer By Law By C. Gagnani, J.T., Treasurer Barrett H. Dahia, Auditor Amprakash M. Dudani,
and Editor Paresh, R. Malani stand at the helm, steering us toward a bright future. Applications of brass parts. Brass manufacturing is a fascinating process that transforms raw materials into a versatile alloy called brass by melting them together in a furnace. Next, the liquid brass is poured into molds to give it the desired shape. Skilled machinists then cut and shape the solidified brass. Components by using various tools, surface finishing techniques like polishing and plating are applied to enhance its appearance, strength, and electrical conductivity. Quality control. Checks are performed to ensure the brass products meet the required standards. Finally, the finished brass products are carefully packaged for distribution all over the world. Throughout the process, a combination of craftsmanship, precision, and technology is used to create this remarkable alloy known for its strength and beauty. Brass, the alloy of elegance and strength, finds diverse applications across various sectors. Industries like automotive, electrical, electronics, marine, refrigeration and gas, construction, and even musical instruments, as well as the medical sector, heavily rely on brass parts and components. To name a few uses are brass electronic connectors, brass cable glands, brass neutral links, brass earthing accessories and parts, brass battery terminals, brass sanitary fittings and parts, brass inserts, brass fasteners, brass marine fittings and parts, brass hardware fittings and parts, brass gas and refrigeration fittings, and parts, brass parts and components for railway loco and bogies. The Jamnagar Factory Owners Association stands at the forefront of this progress. Our crowning glory, METALAB, established with the financial support of SIDBI, serves as a beacon of technological prowess. This ultra-modern world-class testing facility provides our members access to cutting-edge testing services at a minimal cost, thereby empowering them to compete globally. The METALAB has ISO and NABL certifications positioning it on par with international standards. Furthermore, the association has also set up a reference library on the first floor of NABL in our association stock, with technical literature and books to provide a knowledge hub for our members. These efforts underscore our commitment to fostering a culture of quality and continuous learning within the brass industry of Jamnagar. We are committed to human capital development, so we regularly arrange physical and chemical testing training programs at our unit, METALAB, and help people earn skills and get employment in the brass industry. Preparing our members for the future of the industry is at the core of our vision. With this in mind, we are taking strides towards setting up a state-of-the-art CNC and VMC machine
training center in our association. This center, designed to train the workforce in the use of advanced manufacturing technologies, will be instrumental in equipping our members with the necessary skills to meet the evolving demands of the brass industry. It is not just about maintaining pace with industry advancements, but about driving them. We are excited about this new chapter in our journey, which will strengthen Jumnagar's brass industry's competitive edge. Welcome to the world of brass parts and components manufacturing, where the Brass Industries Association plays a vital role in promoting and advancing the industry. The association acts as a unifying force, bringing together brass manufacturers, suppliers, and stakeholders to collaborate and drive the growth of the industry. The association also actively participates in international exhibitions, adding a global perspective to our local strengths. We also engage with government authorities to advocate for the needs of our industry, reinforcing our role as a dynamic bridge between the brass industry and the wider global market. Looking ahead, we envision the establishment of a display center for brass parts and components within our association building, offering an exclusive platform for our industry to showcase its products. We are also planning an extension center closer to our members, ensuring easy access to our world-class facilities for ultra-modern testing. As we continue our journey, the Jumnagar Factory Owners Association remains dedicated to the brass industry's advancement. We serve our members, bolster our local economy, and contribute to the country's growth story, one brass part at a time. Over the years, our association has been the cornerstone of the brass industry, fostering growth, promoting excellence, and driving innovation. We have witnessed remarkable transformations in technology, market dynamics, and global trends through it all. We have adapted, evolved, and remained resilient, making our mark on the industry and setting new benchmarks for success. Association has been built on the foundations of mutual support, trust, and camaraderie. Let us continue to nurture these bonds, sharing our knowledge, experiences, and resources for the collective betterment of the industry. Thank you. Thank you so much. मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगी. उड़ान वो नहीं जो हवाओं में है. उड़ान वो नहीं जो हवाओं में है. असली उड़ान तो वो है जो आपके इरादों में है. यही कर दिखाया है जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने अपने हौसलों और इरादों से. तो जोरदार तालियां हो जाए इनके हौसले और इरादों के लिए. इस अतेज कार्यक्रम ने आगे बताता जामनगर इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन 2025 में लॉन्चिंग तथा त्यारबाद एक्सपो अंगे की विशेष माहिती माटे निवेदन करीश. माननीय श्री रितेश भाई शाह, सीईओ K&D कम्युनिकेशन लिमिटेड अहमदाबाद. So good evening everyone. અત્યાર સુધી તમે એક તો તમારા પ્રેસિડેન્ટ લાખાભાઈને સાંભળ્યા, એના પછીથી MSME માંથી આવેલા ઉમેશભાઈ શર્માને તમે સાંભળ્યા, એમણે સારી એવી કદાચ તમને માહિતી આપી MSME માટે. હવે હું તમને થોડી માહિતી આપીશ આપણા એક્ઝિબિશન વિશે. હેલો, તો મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ K&D કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ તથા જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે જામનગરના જ આંગણે આગામી તારીખ 13-16 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન જામનગર દ્વારકા હાઈવે એરપોર્ટ રોડ ખાતે જામનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન 2025નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તેના વિશેની વિશેષ માહિતી આપવા માટે હું અત્યારે ઉપસ્થિત છું. આ એક્ઝિબિશનના આયોજન માટે ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન દ્વારા અમારા પર જે વિશ્વાસ મૂકવામાં આવેલ છે તેને પૂર્ણ કરવા માટેના અમારા સતત પ્રયાસો રહેશે.
તેવી આ તક આપ સૌને ખાતરી આપું છું. અમારું એકમ કે એન ડી કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ અમદાવાદ છેલ્લા 30 વર્ષથી આ ક્ષેત્રનો અનુભવ ધરાવે છે અને અમે 75 કરતાં વધુ એક્ઝિબિશન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે લાસ્ટ 30 વર્ષની અંદર, જેમ કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ટ્રેડ શો, એનજીમેક ગાંધીનગર, ઇમટોસ ન્યૂ દિલ્હી, રાજકોટ મશીન ટૂલ શો રાજકોટ, સ્વિચ વાઇબ્રન્ટ વડોદરા, ઇન્ડિયા વિઝન 2020 વગેરે જેવા રાષ્ટ્રીય તેમજ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા અમે 18 જેટલા એક્ઝિબિશન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે 8 કન્ટ્રીઝની અંદર, જેમ કે કેન્યા પ્લસ, શ્રીલંકા પ્લસ, પ્લાસ્ટિક્સ મ્યાનમાર, પ્લાસ્ટિક્સ વિયેટનામ, સોર્સ ઇન્ડિયામાં જામનગર, સોરી સોર્સ ઇન્ડિયામાં નાઇજીરિયા, સોર્સ ઇન્ડિયા ઈરાન અને સોર્સ ઇન્ડિયા અર્જેન્ટિના. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના એક્ઝિબિશનનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરેલ છે જે આપ સૌને વિદિત થાય. આપણા જામનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો માટે ભારત સરકારશ્રીના એમએસએમઈ, એનએસઆઈસી, ઈપીસી, જીઆઈડીસી, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર જામનગર તથા ફેડરેશન ઓફ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ એસોસિએશન તથા અન્ય સંસ્થાઓનો સહયોગ મળી રહેલ છે. આ એક્સપો દ્વારા અમે એમએસએમઈ અમદાવાદ તથા ફેડરેશન ઓફ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે એક મીટિંગ પણ થઈ ગયેલી છે કે જેમાં ખાસ કરીને અમે વિદેશથી બાયર્સ આવે એના માટેની પ્રયત્ન ક્રિયા છે, જેમ કે યુએસએ, યુકે, જર્મની, સ્પેન, ઓસ્ટ્રિયા, સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત, યુએઈ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, ટર્કી, સિંગાપુર, મલેશિયા, જાપાન, ફ્રાન્સ, ઇટલી, પોર્ટુગલ, સ્વીડન, સાઉથ આફ્રિકા, રશિયા એન્ડ નોર્વે, જ્યાં બ્રાસ પાર્ટ્સની મોટા પાયે નિકાસ થાય છે ત્યાંથી ખરીદારો આ એક્ઝિબિશન દરમિયાન ઉપસ્થિત રહે અને ઇન્ટરનેશનલ બાયર સેલર મીટ ગોઠવવામાં આવે તે માટે આની સાથે ઈઈપી પણ સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ તથા ખાસ કરીને ભારત સરકારના વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એમએસએમઈ સંરક્ષણ, રેલવે, શિપિંગ, મરીન ટ્રાન્સપોર્ટ, ઉર્જા અને ભારે સાહસો, રાજ્ય પરિવહન વગેરે સાહસો આ એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લે તે માટેના અમારા સ્તરેથી અમે પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છીએ. આ એક્ઝિબિશન દરમિયાન એમએસએમઈ પર ખાસ ભાર મૂકવાનું અમારું આયોજન છે અને એના માટે અમે અલગ પેવેલિયન રાખવાનું પણ, ઉદ્યોગકારો માટે વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, બીટુબી મીટિંગ યોજવાનું તથા ઔદ્યોગિક એકમો માટે વિવિધ વિષયો પર સેમિનાર યોજવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવનાર છે. આશરે 10-12 હજાર સ્ક્વેર મીટરમાં સંપૂર્ણ વાતાકુલિત જર્મન મેડ ડોમમાં આ યોજાનારા એક્ઝિબિશનમાં 250 કરતાં વધુ સ્ટોલ રાખવામાં આવનાર છે, જેમાં 50,000 કરતાં પણ વધુ લોકો તેની મુલાકાત લેશે અને આશરે 1,000 કરતાં વધુ બિઝનેસ ઇન્ક્વાયરી જનરેટ થશે એવી અમને આશા છે. ખાસ કરીને અમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીને ફોકસ કરી રહ્યા છે એમાં છે સાયકલ મેન્યુફેક્ચરર્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વિચ કંપનીઝ, ફેન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ, બાથરૂમ ફિટિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ, પાઇપ બ્રાન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ ઇન ઇન્ડિયા, ઓટો બ્રાન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ ઇન ઇન્ડિયા અને સબમર્સિબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ ઇન ઇન્ડિયા, કે જેને અમે સ્પેશિયલી ઇન્વાઇટ કરીશું અને એ લોકોને ઇન્વિટેશન મોકલીશું એના માટે. તો આ બધા વસ્તુઓ માટે અમે જે મહેનત કરી રહ્યા છીએ એમાં તમારા સહયોગની અને સરકારની આવશ્યકતા છે અને અમને આશા છે કે તમે એમાં અમને જરૂરથી સાથ આપશો. થેન્ક યુ, તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર માહિતી બદલ. એ સાથે જ હું નિવેદન કરીશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે બે શબ્દ બોલશે. નમસ્કાર સર્વેને. નામમાં ન જતા મંચ ઉપરના મહાનુભાવો અને અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ભાઈઓ, આજે આ એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપોનું આયોજન કરવા માટે ફેક્ટરી ઓનર્સના પ્રેસિડેન્ટ લાખાભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમને આ ખૂબ જ સમયોજિત પ્રોગ્રામ બનાવવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીશ. સમયોજિત એટલા માટે કે હમણાં જ આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 10 વર્ષનું એમનું શાસન પૂર્ણ કર્યું. એ 10 વર્ષના સમય દરમિયાન ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ
વિશ્વમાં ઇન્ડિયાની સાખ એમાં જે વધારો થયો છે અને હવે જ્યારે ત્રીજા કાર્યકાળની એમની શરૂઆત થઈ છે અને ત્યારે એમને ઇન્ડિયાને વર્લ્ડનું ત્રીજા નંબરની ઇકોનોમી બનાવવાનું જે સ્વપ્ન સેવેલું છે અને જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમાં આ એક ખૂબ જ સમય અનુસારનું પગલું છે. આજે પૂરું વિશ્વ ઇન્ડિયાના ગ્રોથ રેટ તરફ નજર કરી રહ્યું છે, ઇન્ડિયા સાથે બિઝનેસ કરવા વર્લ્ડની કોઈ પણ કંપની તૈયાર થઈ રહી છે. ત્યારે અત્યાર સુધી આપણે લોકો વિશ્વના જુદા જુદા ભાગોમાં યોજાતા ફેરમાં ભાગ લેતા, વર્ષો પહેલાં 2-5 વર્ષે કોઈ ભાગ લેતું, ત્યાર પછી દર વર્ષે 25-50 લોકો એક ફેરમાં હોતા અને હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે ત્યાં ફોરેનના ફેરમાં એક જામનગર પેવેલિયન બની શકે એટલી સંખ્યામાં આપણા ઉદ્યોગકાર સાહસિકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. આપણે કહેવાય છે કે પવિત્ર થવું હોય તો ગંગામાં સ્નાન કરવા જવું પડે, પણ બધા ન જઈ શકતા હોય તો એના માટે જ્યારે ગંગાજળ લાવવામાં આવે છે એના જેવા પ્રયત્ન છે. બધા વિશ્વના જુદા જુદા દેશોમાં ભાગ ન લઈ શકે એના માટે આ એક આપણા ઘર આંગણે તક ઊભી કરેલી છે. હું સર્વે ઉદ્યોગકારોને વિનંતી કરીશ કે વધુમાં વધુ આ તકનો બેનિફિટ ઉઠાવે અને ઇન્ડિયા જે અત્યારે વર્લ્ડની ત્રીજી ઇકોનોમી તરફ હરણફાર ભરી રહ્યું છે એમાં આપણી જામનગરની બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધુમાં વધુ હિસ્સો નોંધાવી શકે એવો અરૂડો અવસર આપણે આંગણે ઊભો છે. એને આપણે ખૂબ સારી રીતે વધારીએ અને જ્યારે આયોજન થશે ત્યાં સુધીમાં આપણે સતત પ્રયત્નો કરી અને વધુ વધુ પાર્ટિસિપેશન અને આનો બેનિફિટ લઈ શકીએ એવી આશા સાથે થેન્ક યુ સર. શ્રી અમિત મિસ્ત્રીજીને કેએનડી કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ અમદાવાદ એ આજના આ લોન્ચિંગ પ્રસંગ નિમિત્તે 2 શબ્દ બોલશે. ગુડ ઇવનિંગ, મારું નામ અમિત મિસ્ત્રી છે. કેએનડી કોમ્યુનિકેશનમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી હું સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગમાં સેવા આપી રહ્યો છું. અત્યારે જે બધા મહાનુભાવો આપણે અહીંયા જે ભેગા થયા છે અને જે વસ્તુ માટે આપણે ભેગા થયા છે, જામનગર એક્ઝિબિશનનું ગ્રાન્ડ લોન્ચિંગનો આ પ્રોગ્રામ છે. જે રીતે બધા મહાનુભાવે જણાવ્યું કે ભારત દેશ અત્યારે 5 ટ્રિલિયન ડોલર ઇકોનોમી તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યો છે અને જામનગરની બ્રાસપાટ ઇન્ડસ્ટ્રી એ એશિયાની અંદર સૌથી મોટી બ્રાસપાટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંનો એક ભાગ છે. આજે 5 ટ્રિલિયન ડોલર ઇકોનોમી કરવા માટે આપણો બ્રાસપાટ ઇન્ડસ્ટ્રીનો રોલ પણ ત્યાં એક અહમ રોલ ભજવી શકે છે અને લાખાભાઈ અને કેએનડી કોમ્યુનિકેશન એમનું જે વિઝન હતું આને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટેનું એના માટેનો અમે એક અથાગ પ્રયત્ન અહીંયા કરી રહ્યા છે. મારી એક લકાભાઈને વિનંતી છે કે અત્યારે જેના માટે આપણે ઉપસ્થિત થયા છે જે એક્ઝિબિશન માટે એનું બ્રોશર લોન્ચિંગ અત્યારે અહીંયા આપણે કરીશું. તો સ્ટેજ ઉપરના બધા મહાનુભાવોને વિનંતી કે બધા એમના સ્થાન ઉપર ઊભા થાય અને દરેક આ 500 જણાની જે મેદની અહીંયા બેઠી છે એને હું એક વિનંતી કરીશ કે બધા એક લોકો તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ હોલની અંદર એટલો અવાજ આવવો જોઈએ કે જે આપણી આ બ્રાસપાટ ઇન્ડસ્ટ્રીને આખા વિશ્વ ફલક ઉપર લઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
જોરદાર તાળીઓથી ગડગડાટ સાથે આ એક્ઝિબિશનને આપણે બહુ જ ગજબના સફળતા મળે એવા આપ સૌના આશીર્વાદથી આ એક્ઝિબિશન અમે લોન્ચ કરીએ છીએ. ઉમેશભાઈ, એમએસએમઈ, લખાભાઈ, રીતેશભાઈ, જે બધાએ તમને જે કંઈ કીધું છે કે આ એક્ઝિબિશનની પાછળ અમે જેટલી મહેનત કરીશું કે આખા ભારતમાંથી સારી સારી ઇન્ડસ્ટ્રીના વિઝિટર તો આવશે જ, સાથે સાથે ગવર્મેન્ટ યુનિટને પણ અમે અહીંયા ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છીએ વિઝિટ કરવા માટે. તેમાં રેલવે છે, ડિફેન્સ છે, એરોનોટિક્સ છે, એ બધી સરકારી સંસ્થાઓને પણ અહીંયા સ્પેશિયલ એ લોકોની ટીમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે વિઝિટ કરવા માટે અને પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે. પણ જે પણ હું નાનામાં નાના એમએસએમઈ હશે એમને પણ હું વિનંતી કરીશ કે એમાં એમનો નાનામાં નાનો સ્ટોલ રાખીને પણ આ વખતે એ જોવે કે ભાઈ આ એક્ઝિબિશન કેવું છે. હું ગેરંટી આપું છું કે અમારા જેટલા પણ એક્ઝિબિશનમાં એક વખત પાર્ટિસિપેટ થયા છે એમને કોઈ દિવસ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફરીવાર મિસ નથી કરી. દરેક લોકોને ખાસ વિનંતી છે આ એક વખત પ્રોસેસ સ્ટડી કરજો અને વહેલામાં વહેલી તકે બુકિંગ આજથી ઓપન કરીએ છે, બરાબર છે? તો સારામાં સારું લોકેશન લઈને આપનું સ્ટોલ બુક કરાવો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ સર. इसके बाद एग्जीबिशन लॉन्चिंग की छोटी सी झलक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाया जाएगा. इंडिया इज विटनेसिंग अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट. गुजरात हैज इमर्ज्ड एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर बिजनेसेस इन द वाइब्रेंट हार्ट ऑफ गुजरात. जामनगर स्टैंड्स एज अ बीकन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सलेंस. जामनगर इमर्जेस एज अ की प्लेयर driving multi-sectoral growth, often referred to as the oil city of India due to the presence of the world's largest oil refinery complex. Jamnagar is a critical hub for petrochemical processing. The city is also famously known as the Brass City because it houses the largest cluster of brass part manufacturing units in India. These units produce a wide range of products including hardware, electrical, electronics and plumbing fittings. The Jamnagar Industrial International Expo, a premier event, showcases the diverse sectors that drive India's industrial prowess. This expo is a confluence of industry leaders, entrepreneurs and stakeholders coming together to collaborate and capitalize on emerging opportunities. Through industry-specific seminars and B2B and B2G meets, we foster knowledge sharing and strategic partnerships. From robotics and automation to aerospace advancements, the expo offers a comprehensive platform to showcase innovations and trends. The MSME Pavilion is a testament to our commitment to supporting small and medium enterprises, driving their growth and success. Vendor development programs empower the next generation of industrialists, ensuring sustainable growth and innovation at its core. The Jamnagar Industrial International Expo is about opening doors to new markets and creating opportunities across sectors. Jamnagar Industrial International Expo, where industries connect, opportunities are created, and the future is forged. India is witnessing a अंत भी होता है. तो आज के प्रोग्राम को विराम देने के लिए मैं श्री मनसुख भाई वी सावला, मानद मंत्री जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आए और अपना आभार व्यक्त करें. थैंक यू. સંસ્થાના નિમંત્રણને માન આપી જામનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો 2025ના લોન્ચિંગ તથા એમએસએમઈની વિકાસની તકો બાબતે જાણકારી આપવા માટે સેમિનારના અત્રે ઉપસ્થિત એમએસએમઈના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી ઉમેશ શર્મા સાહેબ, જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી ભીપેન્દ્રસિંહ જાડેજા, જીઆઈડીસી પ્લોટ એન્ડ શેડ હોટર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી દિનેશભાઈ ડાંગરિયા તથા અન્ય અલગ સંસ્થાઓમાંથી પધારેલા પ્રમુખ મંત્રીશ્રી, હોદ્દેદારશ્રીઓ તથા કારોબારી સમિતિના સભ્યશ્રીઓ, મેટાલેબ મેનેજમેન્ટ કમિટીના સભ્યશ્રીઓ તથા જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન કારોબારી સમિતિના સભ્યશ્રીઓ, તમામ ઉદ્યોગકાર મિત્રો, અત્રે ઉપસ્થિત પ્રિન્ટ મીડિયા,
તથા ઇલેક્ટ્રિક મીડિયાના તમામ પ્રતિનિધિઓ અને સરહદ ચોકથી અત્રે કોઈના નામનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહી ગયો હોય તો તેવા તમામ સભ્યોને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ આભાર માની આ સમારંભને પૂર્ણ જાહેર કરું છું. બધાએ અહીંથી જમીને જવાનું છે અને ફરાળની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, તો દરેક ત્યાંથી જમી અલ્પાહાર લઈ અને પછી જાય. આપના સ્વાદિષ્ટ ભોજન માટે સરોજી ભોજનની વ્યવસ્થા તૈયાર છે, એ સાથે અગિયારસ નિમિત્તે ફળાહાર તેમજ જૈન ભોજનની પણ વ્યવસ્થા રાખેલ છે. તો આપ સૌને વિનંતી, આપ ભોજનનો આનંદ માણો. એ સાથે જ આજના કાર્યક્રમમાં આપ સૌએ હાજરી આપી અને આપના સહકારથી આ કાર્યક્રમને શોભાવ્યો તે બદલ હૃદયથી આભાર.